नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। दोस्तों, हमारे जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब है वो काफ़ी मजे हुए डिप्लोमेट तो हैं ही, और प्रेजेंट में इंडिया के वो विदेश मंत्री हैं और वो किसी न किसी देश के दौरे पर तो रहते ही हैं। उसी तरह वो इस समय थाईलैंड के दौरे पर हैं और जैसे कि जाना जाता है उनको कि किसी भी सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब देना और जो सामने वाले सवाल पूछने वाले की बिल्कुल बोलती बंद कर देना। तो अभी वो थाईलैंड के दौरे पर हैं और जो तेल वाला क्वेश्चन है ये यहाँ भी इनका पीछा इसने नहीं छोड़ा। तो इंडियन कम्युनिटी को संबोधित कर रहे थे तो किसी ने प्रेस उसमें से क्वेश्चन पूछा कि जो रशियन ऑयल है वो क्यों इंडिया इतना ज़्यादा रशियन ऑयल बाई कर रहा है। तो उन्होंने कहा, सीधा सा जवाब दिया, और क्या इससे जो उनके एलाइज हैं जैसे यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो गुस्सा नहीं होंगी। उन्होंने सीधा सा जवाब दिया कि देखो, मैं एक ऐसे देश का फॉरेन मिनिस्टर हूँ जिसकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो है, लगभग $2,000 पर कैपिटा इनकम है पर ईयर का। तो ये मेरी ड्यूटी बनती है, ये मेरी मॉरल ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको सस्ता ऑयल प्रोवाइड कराऊं चाहे कहीं से भी हो, और वो लोग महंगा ऑयल और गैस ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमको रशिया से सस्ता ऑयल मिल रहा है, हम ले रहे हैं, और इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या फिर यूएसए है वो भी अब इंडिया का स्टांस समझ रहे हैं, तो वो भी अब इस बात से एग्री कर रहे हैं कि ठीक है, अगर इंडिया ले रहा है क्योंकि उसकी ज़रूरत है तो उनको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी इंडिया के स्टांस को समझ रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी कई बार क्वेश्चन इसे पूछा जा चुका था। यूरोप में एक बार जो ये कॉन्क्लेव हो रहा था वहाँ पर भी एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर से, जो इंडियन ओरिजिन की ही पत्रकार थी, उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे दनादन क्वेश्चन दागे। वहाँ भी दो टूक जवाब दिया उन्होंने कि यूरोप जो रशिया से गैस खरीद रहा है उससे वॉर की फंडिंग नहीं होती है, सिर्फ इंडिया के तेल से ही फंडिंग होती है। तो बात करें कि इंडिया तेल किससे ज़्यादा सबसे लेता है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा तेल जो है इंडिया लेता है इराक से। जी हाँ, इराक से सबसे ज़्यादा तेल लेते हैं। दूसरे नंबर पे आता था सऊदी अरेबिया, उसके बाद और बाकी सारी कंट्रीज आती थी। लेकिन इस समय जब से रशिया यूक्रेन वॉर क्राइसिस शुरू हुआ है तब से इंडिया ने रशिया से रिकॉर्ड स्तर पे जो है ऑयल की सप्लाईज मंगानी शुरू कर दी है, क्योंकि रशिया बेसिकली डिस्काउंटेड ऑयल दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब यूक्रेन क्राइसिस शुरू नहीं हुई थी तो रशिया हमारा 10th लार्जेस्ट जो है वो ऑयल सप्लायर था, लेकिन जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस शुरू हुई है रशिया ने सऊदी अरेबिया को पछाड़ के और 2nd लार्जेस्ट जो है सप्लायर बन गया है इंडिया का, उससे आगे बस इराक है। तो दोस्तों, इराक ने भी जब देखा कि रशिया डिस्काउंटेड ऑयल दे रहा है तो अब दोनों में कॉम्पिटिशन होने लगा है। अब इराक जो है वो भी हमको मैसिव डिस्काउंट ऑफर कर रहा है अपने ऑयल पे। और जब उनसे पूछा गया कि आप रशिया से ऑयल और ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, पहले जब जहाँ से ऑयल लेते थे मिडिल ईस्ट से जब ऑयल लेते थे प्रोडक्शन तो उनकी उतनी है, लेकिन अब यूरोप जो है जो कि रशिया से अब अपनी डिपेंडेंसी बहुत कम कर रहा है ऑयल एंड गैसेस की, तो वो अपना इम्पोर्ट जो है वो मिडिल ईस्ट से बढ़ा रहा है। तो जो हमारे ऑर्डनरी पहले के जो रेगुलर जो सेलर थे जो कि हमको बेचा करते थे वो अब अपने ट्रांसपोर्ट को जो है शिपमेंट्स को यूरोप में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उनके पास ऑयल की प्रोडक्टिविटी तो उतनी ही है, तो ऑयल की कमी तो हो ही रही है, तो वो कैसे अब हमको अब वो शिपमेंट्स कर सकते हैं। अगर उनको यूरोप को भी देना है हमको भी देना है तो ऑयल की कमी तो जाहिर सी बात होगी, तो हमको अपनी ऑयल नीड को तो कहीं से पूरा करना ही होगा। तो हम रशिया से कर रहे हैं क्योंकि रशिया हमको हमारे लिए एक अफोर्डेबल ऑप्शन बन रहा है। और उन्होंने इससे पहले भी जवाब देते हुए कहा था कि अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है रशिया से तो आप ईरान के ऑयल को और वेनेजुएला को ऑयल को मार्केट में क्यों नहीं आने देते हैं। अगर आप सारे ऑयल के सोर्सेज को बंद कर देंगे और फिर हमसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप रशिया से भी ऑयल ना लें, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। हमारी भी अपनी नीड्स हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं तो जाएंगे। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि जो यूएसए के सैंक्शंस है जो रशिया पे है कि रशिया अपने ऑयल और नेचुरल गैस बेसिकली और बाकी देशों को मना कर रहे हैं लोग ऑयल और नेचुरल गैस लेने के लिए रशिया से। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुआ है रशिया की जो ऑयल और नेचुरल गैस की डिमांड है वो और ज़्यादा हाई हो गई है। नाउ इन सब पे आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।